लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शेखपुरा में एनडीए साथियों के साथ बैठक किया और कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया है वही आशीर्वाद अरुण भारती जी पर भी बनाए रखेंगे। मैं यह वादा आप लोगों से करता हूं कि मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याएं यह सांसद में उठाएंगे। जमुई का नेता नहीं बेटा बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे और मुझसे भी बेहतर सांसद साबित होंगे। जिस ढंग से आप लोगों ने मुझ पर अधिकार जताया उतना ही अधिकार आप इनका इन पर बुझाइए। वही मुझे पूरा यकीन है कि पूरे समर्पण भाव से यह जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। कभी भी और कहीं भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखिए इस रिपोर्ट में चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे हैं। आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को ये वादा आप लोगों से करता हूँ मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ सालों में पार्टी परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों में होता जो समर्पण भाव के साथ में 14 में आया वो समर्पण भाव तो मैंने रखा पर संभव था अपनी चीजों में उतना उलझा कि जितना समय मुझे और देना था इतना शायद मैं नहीं देता। पर ये वादा आप लोगों से करता हूँ जहां मैं बाकी की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की परिवार की सब निभा रहा हूं आने वाले दिनों में निभाऊंगा। पर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित भाव और इनको मैंने ये भी कहा कि मैं आपको बाकी सारी जिम्मेदारियों से अभिनंदन रखूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जमुई लोकसभा शेखपुरा में आपको आपके सभी जाना है घर घर जाना है और जितने कार्य हम लोग के बाकी रहे उन कार्यों को पूरा कर ये वादा भी आप लोगों को करता हूँ। मुझे गर्व होता है जब देश में दुनिया में जहां भी जाता हूँ अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ जमुई लोकसभा का शेखपुरा का जो भी व्यक्ति आके हमसे रहता और आके बोलता है भैया हम तो धारणसुभा के हम तो शेखपुरा के हम तो चवरा के जो भी आके हमसे रहता है वो इस बात को गर्व से बोलता कि भैया हमको गर्व होता है कि सदन में जमुई लोकसभा का नाम आपकी वजह से गूंजता रहता है आप हम लोग के विषय को उठाते रहते हैं। पर ये वादा आज आप लोगों से करता कि आने वाले दिनों में मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याओं को अरुण भारती जी उठाने का काम करेंगे ये आप लोगों से करते रहता मेरे परिवार के हैं आपके परिवार के जिस हक से आप लोगों ने मुझ पर अपना अधिकार जमाया उतना ही हक आप दिन पर रखें। जिस सरल और मधुर स्वभाव के लिए मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है कि कहीं ये आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस हाँ ये आग्रह भी जरूर करूंगा जैसे हर मेरे पिता जी कहते थे कि पिता को सबसे ज्यादा गर्व तब होता है जब उसका बेटा उससे आगे निकल जाए। यहां पर भले ही ये उम्र में मुझसे बड़े हैं रिश्ते में मुझसे बड़े हैं पर हाँ जब राजनीतिक क्षेत्र में देखें